गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे द मुगल एम्पायर, जिसमें हमने मुगल के ओरिजिन के बारे में स्टडी किया था कि मुगल थे वो दो ग्रेट रूलर मतलब फैमिलीज़ थी, रॉयल फैमिलीज वहाँ से आए थे। फर्स्ट जो थी गेंगिस खान की थी और सेकेंड जो थी वो तैमूर की थी। उसके बाद जो बाबर था मतलब कि फ़र्स्ट मुगल एम्पायर था, फिर हमने वो देखा था कि कैसे कैसे मतलब उसने क्या किया था अदर रूलर को डिफीट करके अपना जो एरिया था मतलब रूलिंग एरिया उसको एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया था, और क्या क्या उसने पीछे इसके पीछे मतलब पॉलिसी क्या उसका आइडिया था वो हमने स्टडी किया था। अब नेक्स्ट क्या है, कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं जैसे कि हम यहाँ मैंशन देखें मुगल एम्परर के, जैसे कि उन्होंने बताए हैं कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट जैसे बाबर था, फिर उसका टाइम पीरियड है, नेक्स्ट हुमायूं है फिर उसका टाइम पीरियड है, देन अकबर है फिर उसका टाइम पीरियड इन्होंने गिवन मतलब मेंशन किया हुआ है, देन जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये कुछ क्या थे, मुगल एम्पायर से रिलेटेड कुछ ग्रेट रूलर्स थे, उनके टाइम पीरियड और उनकी कुछ बेसिक आइडियोलॉजीज में गिवन है। तो ये हम स्टडी ये मीन्स आप स्टडी करना एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। एंड देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल ट्रेडिशन ऑफ द सक्सेशन, मतलब कि जो मुगल एम्पायर था वो कैसे मतलब उसने जीत हासिल की थी, कैसे वो एक्सपेंड कर रहा था, क्योंकि कल हमने ओरिजिन के बारे में स्टडी किया। अब हमने ये कहा था कि जो इसका एक्सपेंशन था मतलब मुगल एम्पायर जो बढ़ रहा था वो क्या था, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड नहीं था, वो अलग अलग फेजेस में था। मतलब कि एक एरिया को उसने डिफीट किया, एक रूलर को डिफीट किया, फिर सेकंड थर्ड ऐसे ऐसे अब उसने क्या थी मतलब विक्ट्री हासिल की थी। अब मुगल्स क्या थे, वो क्या थे, प्राइमोजेनिचर में बिलीव नहीं करते थे, मतलब वो इस आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते थे कि जो मतलब कि इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी होती है मीन्स ग्रैंड फादर से फादर, फादर से सन, मतलब उसमें बिलीव नहीं करते थे। वो क्या करते थे, कोपल सिनेरी में बिलीव करते थे, मतलब कि जिसमें वो जॉइंटली मतलब कि ओन करते थे रिसोर्सेज को किसी फैमिली से, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड ना होकर वो जॉइंटली एक पूरे पूरे ग्रुप से रिलेटेड होती थी, तो उस टाइप की आइडियोलॉजी में वो बिलीव करते थे। उसके बाद नेक्स्ट है मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स। अब हमें पता है कि हम जब भी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं उसमें जितने भी ग्रेट रूलर्स थे उन्होंने क्या किया था, या तो अदर रूलर्स को डिफीट करके या फिर उनके साथ मतलब कि समझौता करके मतलब उनके साथ जॉइन हैंड करके जो है अपने अपने एरिया को एक्सपेंड किया था। तो मुगल रिलेशंस थे उनके अदर रूलर के साथ किस टाइप के रिलेशन थे, किस टाइप से उन्होंने उन्होंने एरिया को विन किया था, नेक्स्ट हम वो स्टडी करेंगे। तो मुगल्स क्या थे, धीरे धीरे वो मोर पावरफुल होते जा रहे थे जैसे जैसे उनका एरिया एक्सपेंड हो रहा था। तो राजपूत जो थे उन्होंने क्या कर लिया था, वो लिटरली मतलब अपनी इच्छा से क्या किया था, उन मुगल्स के साथ समझौता कर लिया था। तो राजपूत और मुगल अब एक हो गए थे। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू द मुगल फैमिली एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन। एक ये भी था उन्होंने क्या कर दिया था, मुगल एम्पायर की जितने भी मतलब अब वो क्या थे, फैमिली रिलेशन इस्टेब्लिश करने लगे थे जो राजपूत थे मुगल के साथ, जैसे कि मैरिज जैसे कि मुगल्स के साथ मैरिज करवा लेना, और फिर वहाँ पर क्या था हायर पोजीशंस को मुगल एम्पायर में मिल गई थी। उसके बाद एक और था द सिसोदिया राजपूत ऑफ द मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी फॉर लॉन्ग टाइम, वंस डिफीटेड दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल। एक बार क्या था, सिसोदिया राजपूत मतलब हार गया था मुगल से, लेकिन भी मुगल की एक आइडियोलॉजी थी कि वो जिनको हराते थे ना उन्हें मतलब कि ह्यूमिलेट नहीं करते थे, बट उन्हें क्या थे एक ऑनरेबल पोजीशन प्रोवाइड करते थे। ये जो आइडियोलॉजी थी इसकी वजह से अदर रूलर्स के बीच में क्या थी, मुगल की रिस्पेक्ट जो थी वो बरकरार रही थी। ये मतलब मुगल एम्पायर का यूनिक फीचर था, एक मतलब कि इन्होंने मेंशन भी किया था केयरफुल बैलेंस बिटवीन द डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग, मतलब हराना उनका मेन मोटिव था बट उन्हें ह्यूमिलेट करना नहीं था। ये मुगल एम्पायर की एक यूनिक पॉलिसी थी जिसकी वजह से मुगल एम्पायर काफ़ी फेमस भी हुआ था। नेक्स्ट इज उसके बाद दो टर्म्स है, एक मनसबदार और एक जागीरदार। अब मनसबदार और जागीरदार क्या है, दो टर्म्स क्या है मुगल एम्पायर से रिलेटेड है। पहले तो हम स्टडी करते हैं कि मनसबदार और जागीरदार इन दोनों टर्म्स का मीनिंग क्या है। मनसबदार मेंशन भी किया जैसे कि देखो, फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ द टर्किश नोबल्स दे एक्सपेंड टू इंक्लूड ईरान, इंडियन, मुस्लिम, अफगान्स। मतलब कि जो मुगल एम्पायर थे उसमें
टर्किश से स्टार्ट होते होते वो कहाँ तक आ गई थी, मुस्लिम, अफगान्स, राजपूत, मराठास और अदर ग्रुप्स को भी उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया था। उसके बाद क्या थी, जो मुगल सर्विसेज आगे मनसबदार, मतलब उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से रिलेटेड है। मनसबदार का मीनिंग देखो, द मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब। मनसब होता है कोई रैंक या पोजिशन को हासिल करना। इट वॉज़ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल टू फिक्स रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब किसको कौन सी हाइयर रैंक, जैसे ऑफिसर्स की होती है ना, ऑफिसर्स स्केल 1 होते हैं, 2 होते हैं, ग्रेड्स होती हैं, लाइक कोई ग्रुप डी होती है, कोई ग्रुप ए होती है। तो ये जो ग्रेड और रैंक होते हैं ये किस बेसिस पे होती है, ये रैंक और पोजीशन के बेसिस पे होती है, पोस्ट के बेसिस पे होती है। तो किसको कितनी रैंक मिलेगी उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी क्या रहेगी, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर मिलेगी, वो रैंक से डिसाइड होती थी। रैंक मीन्स मनसब। उसके बाद द हायर, अब ज़ात एक और टर्म इन्होंने मेंशन किया, ज़ात। ज़ात यहाँ पे उस पर्टिकुलर पोजीशन को यहाँ पर मतलब कि मेंशन करता है। सपोज अगर जैसे कि डायरेक्टर, प्रिंसिपल, ये पर्टिकुलर जो पोजीशन होती है वो ज़ात से रिलेटेड होती है। हायर द ज़ात, मतलब जितनी ज़्यादा बड़ी पोजीशन होगी उतना ही ज़्यादा प्रेस्टेज, मतलब उतना ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और ऑनर होगा। द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द सवार एंड द कैवलरीमैन। अब एक और है, मनसबदार और जागीरदार, दोनों टर्म्स क्या हैं, कुछ रिलेटेड हैं बट बेसिक डिफरेंस यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि मनसबदार वो होते हैं जिनको उनकी सैलरी क्या होती है, कैश की फॉर्म में मिलती है, ठीक है, जैसे कि 1,000, 2,000, 10,000 जितने भी होते हैं। और जो जागीरदार होते हैं उन्हें सैलरी तो मिलती है लेकिन सैलरी क्या कैश की फॉर्म में ना मिलके उन्हें मिलती है किसी लैंड की फॉर्म में। जैसे जागीर हम बोलते हैं ना, जागीर मतलब हमारे अंडर कोई लैंड है या हमारी प्रॉपर्टी है। तो जागीरदार वो होते हैं जिन्हें सैलरी तो मिलती है बट कैश की फॉर्म में ना मिलके किसी पर्टिकुलर एरिया के फॉर्म में मिल गई, किसी पर्टिकुलर लैंड की फॉर्म में मिल गई, जिसे वो कह सकते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। मतलब प्रॉपर्टी के वे में जिन्हें सैलरी मिलती है वो जागीरदार, और जिन्हें कैश की फॉर्म में सैलरी मिलती है वो मनसबदार। तो ये बेसिक डिफरेंस है मनसबदार और जागीरदार के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ज़ाब्त एंड ज़मींदार और मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से रिलेटेड मुगल एम्पायर की।